नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के बारे में। जी हाँ भाई, दुबई वी से संबंधित बात करेंगे। जिनमें वीज़ा एक्सपायर हो गए वो लोग भी दुबई जा सकते हैं, तो किस तरह से जा सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए वो भी हम डिटेल से बात करेंगे। विजिट वीज़ा से रिलेटेड बात करेंगे, GDRFA से रिलेटेड बात करेंगे। जी हाँ, जो भी दुबई से रिलेटेड, वी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है पूरी हम डिटेल से बात करेंगे भाई, फ्लाइट वगैरह से। तो वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई दुबई की फ़्लाइट्स के बारे में। जी हाँ भाई, फ़्लाइट्स की तो आपको पता है नॉर्मल तरीके से अभी अपडेट है, अच्छी बात है, फ़्लाइटें चल रही हैं। बाकी जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो धीरे धीरे जा रहे हैं, बाकी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही है। जी हाँ, अभी हम पहले बात करेंगे कि दुबई में जाने वाले जो जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं उनके क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जी हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको यहाँ इंडिया में वीज़ा एक्सपायर हो गया है फिर भी आप दुबई जा रहे हैं, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन आपको पता है आपको मिल चुका है, लगभग बता दूँ 9 नवंबर की तक की अगर बात करें तो। जी हाँ, वो लोग अगर आप दुबई जाते हैं तो देखिए आपको दो प्रकार की प्रॉब्लम एयरपोर्ट पर आ सकती हैं। जी हाँ, एयरपोर्ट में या UAE में। सबसे पहले आप अगर दुबई जाते हैं तो एयरपोर्ट पर आपसे NOC मांगी जा सकती है। NOC क्या मतलब होता है भाई, कंपनी की तरफ से, क्योंकि आपका वीज़ा एक्सपायर है उसके बावजूद आप दुबई जा रहे हैं, यानी गवर्नमेंट ने आपका वीज़ा एक्सटेंड कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन क्या कंपनी आपको बुलाने में इंटरेस्टेड है। NOC का मतलब आप ये समझ सकते हैं। तो आप, हालांकि सब लोगों से नहीं मांगी जा सकती है, कुछ लोगों से मांगी जा सकती है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, कहीं पर पता लगे कि आप नाइट ट्रेवल कर रहे हैं, नाइट को एयरपोर्ट दुबई पहुँचे, आपसे कस्टम अधिकारी, जो इमिग्रेशन अधिकारी आपको बोलते हैं भाई कंपनी की NOC दिखाइए, क्योंकि डॉक्यूमेंट और तो आपके पास कंप्लीट है तभी आप एयरपोर्ट तक पहुँचे हैं। NOC का मतलब ये होता है कंपनी ने क्या आपको बुलाया है, इसका मतलब ये समझ सकते हैं। तो आपके पास कोई अथॉरिटी लेटर नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, तो आपको जाने से पहले कंपनी से एक अपने व्हाट्सएप में या ईमेल पे कंपनी की तरफ से अथोराइज एक लेटर मंगवा लीजिए, कंपनी की जो हैंडराइटिंग, जो लेटर हेड होता है ना कंपनी का, उसके ऊपर कंपनी HR मैनेजर वगैरह लिख के देते हैं कि हाँ ये बंदा Emirates ID ये है, पासपोर्ट नंबर ये है, इतने टाइम से हमारे पास ये काम कर रहा था लेकिन ये अपने देश छुट्टी गया था, फ्लाइटें बैन होने की वजह से वहाँ पे स्टक हो गया यानी फंस गया था, अब इनको सरकार ने इजाज़त दी है तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारी कंपनी में आएगा काम करेगा, इस तरह से आप इसमें लिखवा के रखें, बाई चांस मांग लें तो आपको परेशानी नहीं आए। जी हाँ, सेकेंड बात कर लेते हैं कि भाई आपका देखिए वीज़ा तो ख़त्म हुआ है लेकिन सरकार ने बोला है कि आप जा सकते हैं, जिनके वीज़ा रिन्यूअल ऑटोमेटिक हो रहे हैं आप सबको पता ही है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई आपका वीज़ा ख़त्म होने के बाद आप दुबई जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद में क्या है, आपको सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि 1 महीने में यानी 30 दिन के अंदर आपको वो वीज़ा रिन्यू करवाना पड़ेगा, यानी आपके पासपोर्ट में दूसरा वीज़ा लगेगा रिन्यू होके, क्योंकि वो वीज़ा आप इंडिया में थे आपका ख़त्म हो गया है, 6 महीने से इंडिया में बैठे थे, तो उस वजह से आपको वहाँ जाकर वो काम कौन करवाएगी, आपकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपका कोई पैसा उसमें खर्च नहीं होने वाला है। आप यहाँ से एक्सपायर वीज़ा वाले दुबई जैसे ही जा रहे हैं तो कंपनी को आप बोल सकते हैं कि सर मेरा वीज़ा रिन्यू करवा दीजिए, क्योंकि 30 दिन का उसमें टाइम होता है, 30 दिन तक अगर आपका वीज़ा रिन्यू नहीं होता है तो आप मान के चल सकते हैं कि आपके ऊपर फाइन लगना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, कल को कंपनी नाटक करे फिर आपको भुगतान करना पड़ेगा, तो एक महंगी बात है। तो ये दो चीज़ें जो एक्सपायरी वीज़ा वाले लोग दुबई जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है, ध्यान रखिए। लेकिन ये भी ध्यान रखिए भाई, ये मैसेज केवल दुबई वालों के लिए है, अगर आप इंडिया से दुबई जा रहे हैं उनके लिए हैं। बाकी बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि जैसे शारजा, अजमान, रसल खेमा, अल्कमीन वगैरह और जो भी स्टेट हैं, शारजा वगैरह जो भी 6 स्टेट बसते हैं, देखिए दुबई में आपको पता है पूरी UAE में 7 स्टेट है, दुबई अलग है, 6 स्टेट अलग अलग है, और 6 स्टेटों में भी बहुत, 6 स्टेटों में जितने लोग रहते हैं उतने अकेले दुबई में रहते हैं जहाँ तक मैं मानता हूँ। अब देखिए दुबई तो एक अपडेट देती जा रही है, फ्लाइटें ओपन फलाना ढिमका आपको पता है, लेकिन क्या 6 स्टेट हैं वो भैया एकदम गहरी नींद में सो रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, उनके स्टेटों के जितनी भी कंपनियों में काम कर रहे थे जैसे शारजा है हो गया, आबू धाबी हो गया, रसल खेमा वगैरह और भी बहुत सारे 6-7 स्टेट हैं, उसमें 6 स्टेटों में बहुत सारे लोग छुट्टी आए थे, उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, लेकिन उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है, नहीं वो आप लोगों को बुला रहे हैं अभी तक। जी हाँ, ये अपडेट सिर्फ दुबई की अपडेट आती है, बाकी 6 स्टेटों के भाई कोई अपडेट नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर शारजा का क्या है, अबू धाबी का क्या है, रसल अल खेमा, कोई अपडेट नहीं है भाई उनका। जी हाँ, वो कुंभकर्ण की नींद में, गहरी नींद में सो रहे हैं, अब देखते हैं आगे क्या अपडेट वो देते हैं, क्या वो UAE के पीछे लघु बन के आपका वीज़ा रिन्यू करेंगे, ऑटोमेटिक करेंगे, आपको इजाज़त देंगे, किस तरह से देंगे, और अगर उनकी कोई अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जी हाँ, हम बात कर लेते हैं भाई वीज़ा एक्सपायर हुए हैं, जी हाँ,
ये आपको पता ही होगा भाई कि ये 20 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल बाद में 21 अप्रैल 22 अप्रैल यानी आगे की तरफ में बढ़ते हुए ये वीज़ा 9 नवंबर तक जिनके वीज़ा आगे भी ख़त्म होने वाले हैं। अभी तो आपको पता है अगस्त चल रहा है, अगस्त के बाद में 9 नवंबर तक आपके जितने भी लोगों के वीज़ा एक्सपायर होंगे उन सब के वीज़ा रिन्यू कर दिए जाएंगे। 20 अप्रैल से लेके 9 नवंबर तक लोगों के वीज़ा रिन्यू कर दिए जाएंगे और 9 नवंबर तक वीज़ा रिन्यू होंगे, उसके बाद में सरकार आगे क्या अपडेट। हालांकि इतने टाइम में तो भाई फ्लाइटें वगैरह सब नॉर्मल हो ही जाएगा तो कोई झंझट ही नहीं रहेगा, लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात है 20 अप्रैल के बाद में जिनके वीज़ा एक्सपायर हुए, जैसे 19 अप्रैल को आपका वीज़ा खत्म हो गया, 18 अप्रैल को वीज़ा खत्म हो गया, तो वो भूल जाओ भाई, उनका कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ यहाँ पे 6 मंथ या 180 दिन वालों के ही वीज़ा आपके रिन्यू होंगे। जी हाँ, यानी अब तक के 20 अप्रैल से लेकर 9 नवंबर तक आगे जिनके वीज़ा एक्सपायर होंगे 6 महीने, उनके वीज़ा सबके 3 महीने तक रिन्यू कर दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। ये एक अपडेट आप लोगों के लिए है। जी हाँ, अब आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर जिनके 6 महीने से ऊपर टाइम हो गया यानी 180 दिन से एक दिन भी ऊपर हो गया तो उनका क्या होगा, सरकार की तरफ से तो कोई अपडेट नहीं है। तो वो भाई आपकी कंपनी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि उसमें आपकी तो गलती नहीं है, आप छुट्टी आए थे, फ्लाइटें नहीं ओपन हुई तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपकी कंपनी अगर चाहे तो आपका वीज़ा रिन्यू कर दे तो आपकी कंपनी के पास इसका समाधान है, बाकी किसी के पास कोई समाधान नहीं है। तो आप अपनी कंपनियों के कॉन्टैक्ट में रहें, लेकिन मुझे नहीं लगता यार 6 महीने के बाद में कंपनी जो आपका वीज़ा रिन्यू करेगी इतना माथा बचीन मुझे नहीं लगता करेगी। जी हाँ, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं भाई, ये जो अपडेट है सिर्फ दुबई के लिए हैं, बाकी 6 स्टेट हैं उनके लिए अभी कोई अपडेट नहीं है। जी हाँ, आगे अगर बात करें तो भाई GDRP अप्रूवल बहुत सारे लोगों को मिलना मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, हालांकि देखने में आसान है कि ठीक है ओपन है सब कुछ चल रहा है, लेकिन अप्रूवल मिलना बड़ी लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है भाई जो बेचारे अनपढ़ कैटेगरी के आदमी हैं, जो वहाँ पे मजदूरी का काम करते थे कंस्ट्रक्शन लाइन में। अब उनको ये पता, इनके माइंड में बात घुस गई कि ठीक है हमारा वीज़ा रिन्यू हो जाएगा या फिर हम GDRF अप्रूवल ज़्यादा, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ये प्रोसेस क्या होगा। अब जिनके वीज़ा ख़त्म हो गए 6 महीने बाद में, वो जो मजदूर कैटेगरी के आदमी है वो कंपनी से कॉन्टैक्ट कहाँ से कर लेंगे, उनको तो पता ही नहीं है किससे कॉन्टैक्ट करें क्या करें, जो ब्लू कॉलर जॉब वाले थे। तो भाई उनका कोई कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, और वैसे भी भाई सीधी बात है, जो कमज़ोर होता है ना उसके ऊपर ज़्यादा गाज गिरती है। अब ये जो गवर्नमेंट रूल बना रही है ना, ये भी वही लोग ज़्यादा फ़ायदा इसका उठाएंगे जो कुछ हद तक नॉलेज रखते हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल अंगूठा छाप जिनका पासपोर्ट अंगूठे से बना भाई, वो मुझे नहीं लगता कि कुछ हद तक पार कर पाएंगे इस प्रोसेस को। जी हाँ, अब GDRF अप्रूवल की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को सब कुछ डॉक्यूमेंट होने के बाद में अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, 2-2, 3-3, 4-4 दिन लोगों के लगे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती है, अप्रूवल नहीं मिल पाता, तो कहने का मतलब बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि आपको पता है कोरोना वैक्सीन का कोई चक्कर नहीं है, सर्टिफिकेट का कोई चक्कर नहीं है, बस PCR रिपोर्ट लेके जाओ आप जा सकते हैं। ये तो एक बड़ी खुशी की बात है कि भाई चलो देर आए दुरुस्त आए, फिलहाल टाइम तो लगा लेकिन ये सरकार ने कुछ सोच के इनको स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं भाई विजिट वीज़ा का क्या प्रोसेस। आपको पता है भाई विजिट वीज़ा सरकार दे रही है क्योंकि उनको पैसे चाहिए, विजिट वीज़ा सब ले लो और तीसरे चौथे देश से घूम के हमारे देश में आ जाओ, समझ रहे हो बात को। ये मैंने भी पहले भी बताया था, फिर भी आपको बता रहा हूँ, लेकिन भाई मैं तो यही बोलूँगा कि विजिट वीज़ा में GDRF अप्रूवल की कहाँ जरूरत पड़ गई भाई। विजिट वीज़ा अगले ने लिया है, आपने दिया है, डायरेक्ट PCR रिपोर्ट से बुला सकते हो, उनसे भी अप्रूवल आपका पूरा प्रोसेस वही रहेगा जो रेजिडेंशियल वीज़ा वालों का होता है। जी हाँ, सेम प्रोसेस वो कर दिया, तीसरे देश में 14 दिन गुजारो फिर हमारे देश में आओ, यानी 90% का मैटर वहीं सलट गया। 90% लोग दिन के 100 वीज़ा है ना, वो 90 लोग तो जाएंगे नहीं भाई। जिन्होंने 10-15-20 हज़ार रुपये दे के यार वीज़ा कबाड़ा था जॉब के लिए, वो बेचारा तीसरी कंट्री घूम के, कतर में, ओमान, कोई भी XYZ कंट्री हो घूम के आए, लाख रुपये खर्च करे, वो मुझे नहीं लगता वो पागल है, पागल होगा वही जा पाएगा भाई। हाँ, 10% लोग वो हो सकते हैं जिनके वहाँ पे बिजनेस है, वहाँ पे फैमिली है, उनको जाना ज़रूरी है, इसलिए वो थर्ड कंट्री वाया जा सकते हैं, उनके वो फ़र्क वाली बात नहीं पड़ती। कहने का मतलब ये है कि भाई ठीक है 100 लोग खड़े हैं, उनकी कैटेगरी कैसा भी है, एक अच्छा करोड़पति है, एक नॉर्मल है, एक बिल्कुल है, कुछ लोग वो होते हैं जो जॉब से रिलेटेड होते हैं, जो वहाँ पे जॉब जाना चाहते हैं विजिट वीज़ा में, वीज़ा सबको मिला के दे दिया, फेंक दिए कि वीज़ा उठा लो। अब लेकिन उनमें से आना किसको है वो कैटेगरी तय कर दी, क्योंकि थर्ड कंट्री की से घूम के आओगे वही लोग पहुंचेंगे जो कि जिनके पास पैसा होगा या फिर वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड वाले होंगे। तो मजदूर लोग जो वहाँ पे जाना चाहते थे उनका तो पत्ता कट गया, वो नहीं जा सकते। हालांकि उम्मीद करते हैं, देखिए भाई वे सरकार अपडेट देने में बड़ी एक्सपर्ट है, वो कभी भी कुछ भी अपडेट दे सकती है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वे सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई। कल को हो सकता है कल को पता न्यूज़ आ जाए कि भाई विजिट वीज़ा वाले डायरेक्ट आ सकते हैं,
सिर्फ पीसीआर रिपोर्ट जो आज से पहले हुआ था ना, जब लोग जा रहे थे उस टाइम पीसीआर रिपोर्ट लेके जाते थे, आराम से एंट्री हो जाती थी, वैक्सीन का भी कोई चक्कर नहीं था। तो हो सकता है वो अप्रैल वो सिस्टम भी स्टार्ट कर दे, लेकिन वो कब करें, करना तो है क्योंकि एक्सपो 2020 आ रहा है भैया, इतना खर्चा हुआ है, उस पर अलग से भी वीडियो बनाऊंगा भाई, बहुत तकड़ा बनाया, बहुत तकड़ा एक्सपो 2020, इतना सब कुछ आप देखोगे वहाँ जाके तो आँखियाँ चुंझ जाएंगे, आपको एहसास होगा कि यार वहाँ कहाँ आ गए, हम जन्नत में आ गए। इस तरह से बड़ा तकड़ा सिस्टम बनाया है, उस पर भी हम बात करेंगे। आगे अगर बात करें भाई, वीजा सरकार ने आपको, मैंने एक कल परसों वीडियो बनाया, आपने भी देखा होगा कि जो ऑन अराइवल वीज़ा है इंडियन लोगों के लिए स्टार्ट किए थे, किन के लिए, जिनके पास अमेरिका, यूएसए, यूके का वीज़ा है या उनके पास ग्रीन कार्ड है, वो लोग अगर इंडिया आना चाहते हैं तो वो पहले दुबई आ सकते हैं। ऑन अराइवल वीज़ा फ्री वीज़ा है, कोई पैसा नहीं है, 14 दिन वहाँ पर स्टे करके फिर आप इंडिया जा सकते हो। ये देखिए वीजा सरकार का सिस्टम भाई बड़ा मतलब अलग ही है, ये मान लो दुबई का एक नियम को 2-4 दिन रखती है, 1-2 दिन ही चला ये सिस्टम, अभी कल की डेट में आ गया कि भाई उनको अस्थायी तौर से स्टॉप कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है अस्थायी तौर पे। अब कब दोबारा कब स्टार्ट हो नहीं हो अलग बात है, जी हाँ, अब पता नहीं उनको क्या खुजली होती है कि स्टार्ट कर देते हैं वापस बंद कर देते हैं, ये नियम लाओ वो कर दिया बंद, वो तीसरा कर चौथा पाँचवा, ऐसा चलता रहता है। आप सबने देखा होगा ना यार, 1 महीने 5, आप समझिए कि 3 अगस्त से फ्लाइटों की घोषणा हुई, 5 अगस्त से फ्लाइटें स्टार्ट हो गई, 5 अगस्त से लेके अगर इस अगस्त में बात करें, बता दूं 20 दिन में कम से कम यकीन मानिए 30 अपडेट आई है 20 दिन में, यानी एक दिन में 1 अपडेट से ज़्यादा आ रही है। और अपडेट आने का मतलब कुछ चेंजिंग होना, उसी को अपडेट बोलते हैं। तो भाई दुबई का कुछ कहा नहीं जा सकता, तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ दुबई से रिलेटेड थी भाई। टिकटों का भाव ठीक है, ज़्यादा नहीं है, अगले महीने में और सस्ती हो जाएंगी। विजिट वीज़ा चालू है, फ्लाइट थर्ड कंट्री द्वारा आ सकते हैं। वर्क परमिट वीज़ा का भाई मुझे नहीं लगता वे सरकार कुछ करने वाली है, बाकी वे इसके ऊपर सर्च करके बाद में मैं बताऊंगा, दूसरा वीडियो सेपरेट बनाएंगे कि वे सरकार वर्क परमिट वीज़ा के बारे में क्या सोचती है, क्यों नहीं स्टार्ट करती, आज 1.5 साल से ऊपर का समय हो रहा है। जी हाँ, तो बस ये अपडेट थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।